अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि शान बिरयानी कराची बिरयानी कैसे बनाते हैं। घर में बिरयानी बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, अलग बात लंबी बात नहीं करूंगी। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले क्या चाहिए। ये मैंने 1 किलो चावल, सिलर चावल हैं, इसको मैंने 2 घंटे से भिगो के रखा हुआ है और 1 घंटा और भिगोऊँगी। 3 घंटे आप इन चावल को भिगो दें, जितना भिगोएंगे चावल उतना अच्छा होते हैं। ये मैंने 1 kg टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने इसको नीम गरम करके छिलका उतार दिया है। आप देख सकते हैं ये मोटा मोटा कटा हुआ है, इसलिए मोटा मोटा है क्योंकि मैं ग्राइंडर करती हूँ चीज़ें, तो ये ग्राइंडर करूँगी। ये मैंने 3-4 प्याज काटे हैं, ये लहसुन अदरक को पीस लिया आप देख लें। ये मैंने 2 चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी ले लिए। ये बाकी इसमें शान का ये मसाला, ये जाएगा बिरयानी मसाला। और ये 1 kg से भी ऊपर चिकन लिया है मैंने, इसको मैंने सही से धो लिया है, वॉश कर लिया है मैंने सही से। और ये 1 पाव से थोड़ी कम है मिर्चें, इनको भी मैं कूट के डालूंगी इसको, और इसको मैं ग्राइंडर करूंगी। ठीक है, तो ये ग्राइंडर हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि ग्राइंडर होके कैसे दिख रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सो जब तक वो ग्राइंडर हो रहा है तो हम प्लेट पतीली में हम तेल लेके हम ये प्याज डाल देंगे ताकि ये फ्राई हो जाए, ये सही से फ्राई हो जाए। तो ये अभी हमने डाल दिए, इसको हम हिला देंगे सही से। जब लाल हो जाएंगे तो इसके इसका और आधा हम प्याज निकाल देंगे और आधा प्याज हम इसी में रखेंगे। कैसे ये मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले ये हो जाए। ठीक है, सो गाइस, ये आप देख रहे हैं कि प्याज ये लाल हो रहे हैं, मैं इनको थोड़ा और हिला देती हूँ। ये आप देख रहे हैं कि अभी इसको मैं और थोड़ा लाल करूँगी। और ये मैंने टमाटर और हरी मिर्ची ग्राइंडर कर ली हैं, तो लाल होने के बाद इसमें से आधे प्याज निकाल के पहले मैं थोड़े चिकन लाल करूँगी और फिर ये डाल दूँगी, और वो डाल दूँगी। तो चलिए मैं इसको खोल के इसमें डाल देती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, तो गाइस जब तक ये हो रहे हैं मैंने इसमें शान बिरयानी का मसाला डाल दिया है। 2 चम्मच हरी मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक हर पे रायकर डाल दिया। मैं यही मसाला रखूँगी क्योंकि हमारे घर में थोड़ा मसाला इतना खास होता नहीं है। अगर आप लोग ठीक है क्या मसाला खाते हैं तो आप लोग उन्हें ऐड भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर ये मैं इसमें डाल देती हूँ। ये मैंने सारा मसाला इसमें डाल दिया है, ये मैंने लहसुन अदरक पीस के रखा हुआ है, तो मैं उसमें से निकाल के इसमें डाल देती हूँ। 1 सेकेंड, ये मैं इसमें से डाल के इसमें डाल देती हूँ। 1 सेकेंड, ये आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने इसमें से लहसुन अदरक डाल के इसमें डाल दिया है। तो अभी हमारा ये प्याज लाल होने वाला है, तो ये प्याज लाल जब हो जाएंगे इनके बाद क्या करना है मैं आपको बता दूँगी, बताती हूँ बल्कि। तो ये लाल हो रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, अभी बताती हूँ कि मैं इसके बाद क्या करना है। तो देख रहे हैं कि हमारे प्याज सही लाल हो गए हैं, बिल्कुल इतने ही लाल करने हैं क्योंकि जब हम दही और प्याज का मसाला बनाएंगे तो पापड़ी बनेगी और पापड़ी बहुत स्पाइसी मज़ा देती है। तो ये हम इसमें से आधे प्याज निकाल के इसमें डाल देते हैं। ये देखा होगा आपने, ये मैंने आधे प्याज निकाल के इसमें डाल दिए हैं, और ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, अब ये जो चिकन रखा हुआ है इसको मैंने धोया हुआ है सही से, आप देख सकते हैं। तो ये मैं चिकन डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा करके, देख सकते हैं इसको मैं मिला देती हूँ। देखेंगे आप करूँगी, ज़्यादा लाल नहीं करूँगी क्योंकि तो अगर ये ज़रा चिकन बन गया तो फिर जब मैं मसाला डालूँगी टमाटर इन चीज़ों का मैंने बना के रखा हुआ है तो फिर उसमें चिकन जल्दी पक जाएगा और गल जाएगा और टमाटर मसाला वैसे ही वैसे रहेगा। इसलिए मैं ज़रा इसको नहीं पकाऊँगी चिकन को प्याज में, बस थोड़ा सा पकाऊँगी। मैं इसका इसमें टेस्ट कर देती हूँ क्योंकि मैंने प्याज निकालने के टाइम पर हल्का कर दिया था और अब मैंने टेस्ट कर दिया है। ठीक है, ये मैंने टेस्ट कर दिया है।
ये आप देख सकते हैं कि ये चिकन का रंग चेंज हो रहा है। ये देखिए चिकन का रंग कलर बदल रहा है, आप देख सकते हैं। वो जो मैंने प्याज अलग किए हैं, इसमें मैं अब दही ऐड करूँगी, कुछ दही, थोड़ी सी दही मैं जब ऐड करूँगी मैं आपको वो भी दिखाऊँगी, और पुदीना ऐड करूँगी क्योंकि इसका फिर इसको सही से मश करके जब ये मसाला बन जाएगा चिकन का मसाला तो ये उसमें डाल दूँगी। वैसे कुछ लोग जो होते हैं वो वो बिरयानी का जब सब कुछ करते हैं तो ऊपर डाल देते हैं, लेकिन मैं मसाले बनने के बाद डालती हूँ, बिरयानी बनने के बाद नहीं, क्योंकि जैसे मेरी अम्मी हैं वो बिरयानी पूरी बनने के बाद डालती हैं और फिर उसको मिला कर सही से दम दे देती हैं, मैं पहले मसाले में डालती हूँ। तो चलिए फिर आते हैं चिकन की तरफ, फिर कितना पक गया है तो आइए चलते हैं। आप देख सकते हैं कि चिकन को जितना मुझे ये पकाना था इनके आलू के साथ पक चुका है, देख सकते हैं आप। ये जो मसाला है जिसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, 2 चम्मच कुटी हुई मिर्चें, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच हल्दी रायता नमक, लहसुन अदरक पिसा हुआ, ये सब, और वो मसाला छान का, ये सब मैंने डाल दिया है। अभी सब मैं इसमें डाल दूँगी, इसमें ज़्यादा सामान रखूँगी। ओके, ये मैंने डाल दिया है इसमें। अब मैं इसको थोड़ा हिला देती हूँ ताकि मैश हो जाए, तो मैं आपको सही से दिखा दूँ कि बनने के कैसा लग रहा है। चिकन में वैसे मसाला नहीं डालते हैं, सॉरी मसाला बोल रही हूँ, चिकन में पानी नहीं डालते हैं क्योंकि चिकन जल्दी पक जाता है और चिकन में पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन क्योंकि मैंने टमाटर जब ग्राइंडर किए थे तो उसमें से खुद कट टमाटर का पानी निकला है, तो वो इसमें पानी की सूरत आपको नज़र आ रहा होगा, और मैंने हर अच्छा टमाटर ग्राइंडर करने के टाइम पर भी डाला था पानी, तो ये वही पानी है, हमें मज़ीद और पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी पानी में हमारा चिकन मसाला सब बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी मसाले की सही से कि अभी ये हमें इस तरह दिख रहा है। जब ये बन जाएगा मसाला तो इसमें जो मैं मसाला बनाने वाली हूँ अभी दिखाऊंगी आपको, दही और पुदीना मिक्स करके, तो ये फिर इस मसाले बनने के बाद हम इसमें डाल देंगे। अभी आप देख रहे होंगे इसकी कंडीशन, बनने के बाद भी मैं आपको अभी कंडीशन दिखाऊंगी। चलिए फिर मैं आपको वो मसाला अभी ही बना देती, पर ये असल में अभी प्याज थोड़े नरम है, इसको थोड़ा कड़क होने दीजिए, तो फिर मैं इसमें मसाला वगैरह, दही और पुदीना डाल के आपको दिखाऊंगी कि कड़क होता है तो पापड़ी इसकी कैसे बनती है, तो मैं ये बताऊंगी। तो यह हमारा मसाला बन रहा है, इसको हम ढक देंगे 1/2 घंटे के लिए, हम इसको छोड़ देंगे, 1/2 घंटे बाद हम आके इसको चेक करेंगे, 1/2 घंटे बाद हमारा ये मसाला बन जाएगा, उसके बाद क्या होगा फिर मैं आपको वो बताती हूँ। तो 1/2 घंटे के बाद आते हैं, बताती हूँ इसकी शक्ल, फिर मैं अभी आप इसकी शक्ल देख रही हूँ, 1/2 घंटे बाद इसकी शक्ल देखिएगा कि क्या होती है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया था ये कड़क हो गया है, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने पुदीना धोकर काट कर सही से रख दिया है। ये मैंने 4 चम्मच दही ली है क्योंकि मैं टमाटर भी बहुत डाल चुकी थी तो ज़्यादा खट्टा ना हो जाए, इसलिए मैं दही थोड़ी कम ली है। तो चलिए फिर मैं इसको इसमें ऐड कर लेती हूँ, ये आप देख सकते हैं मैंने ऐड कर लिया है। ये जो है पुदीना, इसको मैं सही से इसमें ऐड कर लेती हूँ, ये मैंने धो के इसमें रखा हुआ था। सो ये मैंने कर लिया है, 1 सेकेंड, और देखिए ये मैंने तीनों चीज़ें इसमें मैंने ऐड कर ली हैं। अब इसको मैं सही से मिक्स कर दूँगी, तो मैं ज़रा इसकी जगह, ये थोड़ा कम पड़ रहा है, मैं ज़रा इसको किसी और में डाल देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ ये पिसने के बाद कैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें, पुदीना, लाल प्याज और दही को मिक्स करके ये इस तरह का शेप हो गया है। जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा था वीडियो में कि जो बाकी होते हैं वो बिरयानी में पहले जो तैयार करवा के बिरयानी के ऊपर डालते हैं, लेकिन मैं मसाला बनने के बाद ऊपर डाल दूँगी। तो फिलहाल तब तक मैं इसको ढक देती हूँ, तब तक मसाला बनता है। तो अभी मैं आपको मसाले की शक्ल दिखाती हूँ कि मसाला, चिकन मसाला किस तरह बन रहा है, अभी तक कहाँ तक पहुँचा, ठीक है। तो इसको मैंने ढक दिया, इसको मैं साइड पे कर लेती हूँ और अभी आपको वो दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन मसाला बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत मज़े का, मुझे तो खैर अभी से ही भूख लगने लग गए। तो देख सकते हैं आपकी मसाला भी बिल्कुल ठीक जा रहा है, चिकन भी ऑलमोस्ट सही पक रहा है। तो चलिए फिर इसको मैं फिर से ढक देती हूँ, तो इसको मैंने ढक दिया है, तो मैं आपको फिर बताती हूँ।
गाइस, तो मैंने आपको कहा था कि मसाला बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, तो मैं आपको दिखा दूं कि हमारा मसाला बिल्कुल बन चुका है। और जो मैंने दही, पुदीना और लाल प्याज का मसाला बनाया था वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे डालना है इसमें। ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने बनाया हुआ था, इसको मैं चम्मच के साथ उसके अंदर डाल दूँगी और फिर कैसे, मतलब मैं फिर उसके बाद हिलाऊँगी नहीं, बताती हूँ मैंने क्या करना है। पहले मैं ज़रा चिकन मसाले के अंदर ये डाल के आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, सही से मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने दही का जो मसाला बनाया हुआ था लाल प्याज का, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही इसको ढक दूँगी क्योंकि अभी इसका फिलहाल काम नहीं है। अभी हम यहाँ आ जाते हैं चावल, क्योंकि मैं चावल जो मैंने बताया था कि मैंने सेलर वाले चावल भिगो के रखे हुए हैं, तो मैंने उनको 3 घंटे भिगो के रखा था, क्योंकि सेलर वाले चावल ऐसे होते हैं कि आप इतना भिगो के रखेंगे उतना अच्छा होता है। तो मैंने उनको भिगो के रखा था 3 घंटे। उसके में मैंने चावलों को सही से धो के, और इसमें मैंने ये देख रहे होंगे आप, ये मैंने 2-3 पुदीने की पत्ते डाल दिए ताकि खुशबू अच्छी आए और चावल सही बॉयल हों, और नमक हंसबे रहकर डाल दिया है। चावल अब जितने 3 गुना बॉयल हो जाएंगे, क्योंकि पूरा नहीं, 3% जो होता है, 3 उसमें जब बॉयल हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे बॉयल होंगे, कितना उसको वो कैसे नज़र आएंगे, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो फिलहाल अभी ये बॉयल हो रहा है, हंसबे रहकर मैंने नमक डाल दिया है, तो ठीक है फिर जैसे बॉयल होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि चिकन मसाले में मैंने और नमक अपना ऐड किया था, क्योंकि मुझे थोड़ा कम लगा था, इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अभी ये बॉयल हो रहा है, जैसे ही चावल बॉयल होंगे मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आ चुका है, और एक सेकेंड मैं आपको चावल भी दिखा देती हूँ कि 3 गुना टाइप बड़े हो चुके हैं, 4th गुना जो होगा तो दम में होगा, 3 गुना बड़े हो गए। तो अब इन चावलों को मैं इस छन्नी में भिगो दूँगी, जितना भी पानी होगा वो निचोड़ दिया जाएगा, उसके बाद फिर मैं यहाँ ला के बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल सही से हो चुके हैं, जितना 3% मैंने करना था 3 गुना वो हो चुके हैं। अभी इसमें मैं आधा नींबू ऐड करूँगी, ये जो आप देख रहे हैं इनको मैं ऐड करूँगी। एक स्पून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने आधा नींबू ऐड कर लिया है इसमें। और 1 चम्मच या तो आप घी डाल सकते हैं इसमें, या तो आप ये डाल दिया है मैंने, आप देख सकते हैं कि मैंने ये डाल दिया। आप 1 चम्मच घी या 1 चम्मच तेल आप चाहे जो भी चाहें आप डाल सकते हैं। तो मैं घी डाल लेती हूँ, एक सेकेंड मैं ले लेती हूँ घी। तो आप देख सकते हैं 1 चम्मच मेरे हाथ में घी है, इसको मैंने ऐड मतलब मिक्स कर वो कर लिया है, और चम्मच या मैं यहाँ रख देती हूँ, और इसको मैं पूरी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ ताकि जो नींबू का रस है और जो तेल मतलब घी है, सॉरी तेल बोल रही हूँ, घी जो है वो सब में मिक्सअप हो जाए, सारा एक साथ मिक्सअप हो जाए। ये मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, सब मिक्स सारा मिक्सअप हो जाए। तो 1 सेकेंड मैं सही से हिला देती हूँ इनको, सारा मिक्स कर लेती हूँ 1 मिनट। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको मिक्स कर लिया है, ये मेरी वो खाली पतीली है जिसमें मैंने बॉयल किया है, और ये मेरा मसाला है चिकन मसाला। अब हम तैयार वो क्या क्या कहते हैं मिक्सअप करेंगे, अब कैसे मिक्सअप करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल देंगे हम इसमें, ये हम इसमें डाल देंगे 1 सेकेंड। इसको आप देख रहे हैं मैंने ये कर लिया है, मतलब डाल दिया है सही से। अब ये देख रहे होंगे कि आप इसमें मेरा वही दही वाला जो मसाला मैंने बनाया था वो है, तो हम आधा वो लेंगे और आधा ऐसे उठाएंगे और ऐसे डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे डालेंगे, सही है। ऐसे ऐसे करके हम ये सारे चावल और सारा मसाला चिकन का इसमें ऐड कर लेंगे, तो मैं आपको ऐड करके बताती हूँ 1 मिनट। तो ये आप देख रहे हैं जितने भी चावल थे वो सारे ऐसे ऐसे करके मैंने डाले इसमें, जितना भी मसाला था सारा डाल दिया, और ये अब मैं इसको दम लगा दूँगी। तो दम लगाते हैं, पर इसको मैं थोड़ा मिक्सअप कर लेती हूँ। वैसे जो कुछ लोग होते हैं वो दम लगाने के बीच में ही मिक्सअप करते हैं, लेकिन मैं अभी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो कलर भी डालना है, जर्दे का कलर। वैसे कुछ लोग जो होते हैं वो जर्दे का कलर भी दम के बीच में ही डालते हैं, लेकिन मैं सब कुछ पहले ही डाल देती हूँ। सो चले फिर, ये आप देख रहे हैं मैंने हिलाया है सही से, अभी 1 सेकेंड रही, ये मैंने जर्दे का कलर बना के रखा हुआ था, इसको मैं डाल देती हूँ, ये आप देख रहे हैं मैंने जर्दे का कलर डाल दिया है, इसको
हम सही से मिक्स कर देंगे। देख रहे हैं सही से मिक्स हो रहा है, ये सही से मिक्स हो गया है ये, ठीक है। अब हम इसको हल्की सी आंच में दम लगा देंगे। दम लगाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी ये बिरयानी कैसी बनी है, तब तक के लिए आप वेट करें। तो चलिए आगे दिखाती हूँ आपको कि मेरी बिरयानी तैयार हुई है या नहीं। वैसे तो खैर हो गई तैयार। तो देखिए कितनी प्यारी नज़र आ रही है, आप ज़रा गौर से देखें। ये बिरयानी, चिकन बिरयानी बहुत ही लजीज नज़र आ रही है और मुझे तो भूख भी लग रही है। तो चलिए ये है हमारी आज की चिकन की बिरयानी की रेसिपी, वो भी बहुत आसान। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को मेरी लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को कौन सी वीडियो चाहिए, किस तरह की चाहिए, मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर बनाऊँगी। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला।